गांधी मूर्ति के सामने सैकड़ों महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय उत्पीड़न दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके अंतर्गत देश विदेश में महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से महिलाओं की कुछ अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर सैकड़ों महिलाएं आज उत्पीड़न दिवस के रूप में मनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठी हुई है। आज 8 मार्च का दिन महिलाओं को समर्पित है, अर्थात आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली और समाज को नई दिशा दिखाने वाली महिलाओं को सभी जगहों पर सम्मानित भी किया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत एक तस्वीर उत्तर प्रदेश जनपद के मुरादाबाद से सामने आई है, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार के लिए एक सबक है। सिविल लाइन स्थित गांधी मूर्ति पार्क परिसर में सैकड़ों महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर धरना देकर प्रदेश की योगी सरकार की नींद खोलने के लिए भजन कीर्तन करने में लगी हुई हैं। दरअसल ये महिलाएं आंगनबाड़ी यूनियन से जुड़ी हैं और सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने काम को बाखूबी अंजाम दिया, लेकिन सरकार की ऐसी जुझारू और काम के प्रति समर्पित कार्यकर्त्रियों को पद मुक्त कर दिया, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, जिसमें से 10 महिलाएं महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आज एक दिवसीय उपवास पर हैं और ये अपने इस उपवास से केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश महामंत्री चमन आरा का कहना है कि भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों ना हो, क्योंकि सरकारें उनकी नहीं सुन रही हैं, इसलिए वो आज इस दिन को उत्पीड़न दिवस के रूप में मना रही हैं। महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, हर तरफ उसका उत्पीड़न हो रहा है और मुरादाबाद में ऐसी 84 महिला कार्यकर्त्री को हटा दिया गया है, जिन्होंने कोरोना काल में पूरी लगन से अपने काम को अंजाम दिया। अब उनके साथ साथ उनके परिवारों के सामने भुखमरी पैदा हो गई है। मेरा नाम चंदन आरा है, मैं प्रदेश महामंत्री आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू से हूं। क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज जो है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसी के एवज में हम आज जो है महिला दिवस को महिला उत्पीड़न दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का बराबर शोषण हो रहा है, बराबर उत्पीड़ित हो रही हैं, हर विभाग में उत्पीड़ित हो रही हैं, बराबर हिंसा बढ़ती जा रही है, गैंगरेप हो रहा है, हथियारे जो है ऐसे ही घूम रहे हैं, तो कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो इसमें हर रोज़ की जो वह है, तो उसमें हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, ना मंदिर में ना घरों में। तो उसी को लेकर इसके साथ साथ हर विभाग में महिलाओं का शोषण हो रहा है। इसी तरह से ICDS विभाग जो हमारा, जिससे हम लोग आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जरिए एक दिन का उपवास रखा गया है, तो उसमें यह है कि 84 आंगनबाड़ियों को कोरोना महाकाल में जो है घर से बाहर, मतलब विभाग से बाहर कर दिया, उन्हें जो है खाली हाथ घर बैठा दिया गया है, जबकि उनके परिवारों में जो उनके हस्बैंड थे, उनके बच्चे थे, उनका कारोबार पहले से ही ठप हो गया था कोरोना में, तो उसी से थोड़ा सा जो मानदेय मिलता था उसी से क्या नाम है ये अपना परिवार चलाती थी। अब खाली हाथ उनको बाहर करने के बाद आज उनके बच्चे जो हैं परिवारों के सामने भूखमरी भी फैली हुई है, बहुत परेशान है। तो वही 10 लोग आज हमारे यहाँ उपवास में बैठे हैं और हमारी मांग है कि पहले तो ये है कि जब हम लोग परमानेंट नहीं है, जो रिटायरमेंट हो, हम स्वयं सेवी हैं, जब तक हमारे अंदर ताकत है हम काम कर रहे हैं। आपने 2 महीने कोरोना काल में काम कराने के बाद उसका मानदेय नहीं दिया, तो जब हम काम करने लायक हैं तो आप काम कराइए, और अगर काम नहीं कराते हैं तो पेंशन और एक मुश्त फंड की व्यवस्था करें, तभी बाहर का रास्ता दिखाएं।